Hello everyone, welcome to Free Study. So this is the next part for Insights January 2020 Current Affair Compilation. हमने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी कर ली हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें, एंड एक बार वीडियोस को सुनने के बाद आप ज़रूर खुद से पीडीएफ को रीड करें, चाहे तो अपने नोट्स बनाएं, बिकॉज एट द एंड टाइम दे विल बी वेरी यूज़फुल. सो देखिए अभी क्या है, बेसिकली हमने करंट अफेयर्स जो जनवरी के हैं वो 100 पेजेस तक कर लिए थे. आज हम 101 से 120 करेंगे. एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले. सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, एंड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से स्टार्ट करेंगे. तो पंजाब मंडी बोर्ड ने रिसेंटली अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ किए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के लिए अक्रॉस मंडीज इन द स्टेट. तो ये ई नाम क्या है? ई नाम, ई मीन्स ऑनलाइन ही होगा. तो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जिससे मदद मिलेगी फार्मर्स को, ट्रेडर्स को, बायर्स को, कि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड उन्हें बेटर प्राइस मिलेगा बाय स्मूथ मार्केट. इसे सेंटर ने 2015 में लॉन्च किया था एंड गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया एक फेज्ड मैनर में, एंड December 31, 2019 तक ये 585 मंडीज में फैल गया. अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, फार्मर्स को क्या फ़ायदे हैं? इन्हें ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं सेल के लिए, ठीक है. लोकल ट्रेडर या मंडी में जो मार्केट होती है उसके अंदर लोकल ट्रेडर को क्या फ़ायदे हैं? अगेन एक बड़ा लार्जर मार्केट मिल जाता है फॉर सेकेंडरी ट्रेडिंग. जो बायर्स हैं, अगेन वो भी देखिए, अगर ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो उससे उनका इंटरमीडिएशन कॉस्ट कम होगा. एंड जो इंटीग्रेशन है सभी मेजर मंडीज़ के इन द स्टेट्स इनटू नैम, उससे क्या होगा, कॉमन प्रोसीजर्स होंगे फॉर द इशू ऑफ लाइसेंसेस, लेवी ऑफ फी एंड मूवमेंट ऑफ प्रोड्यूस. एंड इससे एक वैल्यू चेन इमर्ज होगी इन मेजर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़. सो ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसीलिए है कि क्यों देखिए, स्टेट को आप मल्टीपल मार्केट एरियाज़ के अंदर फ्रेगमेंटेड है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेडिशनल मंडी सिस्टम है कि फार्मर्स कम प्राइस पे इंटरमीडियरीज को दे जाते हैं और फिर वो कम ज़्यादा कॉस्ट पे बायर्स को बेच देते हैं. इसके साथ फार्मर्स को देखिए मल्टीपल टैक्स भी फेस करने पड़ते हैं एंड लाइसेंसेस भी. नाउ वी विल रीड अबाउट पीएम किसान स्कीम. तो ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान. तो सेंटर ने कहा है कि वो 12,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो 6 करोड़ से भी ज़्यादा फार्मर्स को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे पीएम किसान स्कीम के अंदर. तो वो वल्नरेबल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज जो कि 2 हेक्टेयर्स तक लैंड कल्टीवेट करते हैं, उन्हें डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलेगा. 6,000 रुपये मिलेंगे हर साल एंड 2,000 रुपये इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर मिलेंगे. टोटल एक्सपेंडिचर इसमें 75,000 करोड़ का होने वाला है, जिसको कौन उठाएगा? यूनियन गवर्नमेंट उठाएगी 2019 से 20 तक. स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर फार्मिंग होते कौन है? जिसमें एक हस्बैंड होगा, वाइफ होंगे, बच्चे होंगे जिनकी उम्र 18 से कम हो, लैंड वो कल्टीवेट करते हो 2 हेक्टेयर से कम. इस स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या है? 12 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फैमिलीज जो हैं उनको इससे फ़ायदा मिलेगा, एक अच्छी इनकम का सोर्स हो जाएगा एंड अगर इमरजेंसी नीड्स होती हैं हार्वेस्ट सीजन से पहले तो वो इसके थ्रू अपना काम कर सकते हैं. स्टेट्स में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे कि भवंतर भुगतान योजना चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर, रायतु बंधु स्कीम है तेलंगाना की जो 4,000 रुपये पर एकड़ देती है फॉर एवरी सीजन टू ऑल द फार्मर्स, एंड ऐसे ही इनिशिएटिव्स झारखंड एंड उड़ीसा में भी हैं. कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, जिसको कालिया भी कहा जाता है, ये भी उड़ीसा का है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये भी हर साल 10,000 रुपये देते हैं, मतलब 5,000 पर ईयर, ओके, मतलब ट्वाइस, दो बार देते हैं साल में. नाउ वी विल रीड अबाउट एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज़ APEDA. तो 800 EPOs रजिस्टर हुए हैं फार्मर कनेक्ट पोर्टल ऑफ APEDA पर, एंड ये जो फार्मर कनेक्ट पोर्टल है इसे सेटअप किया APEDA ने अपनी वेबसाइट पे, ताकि एक प्लेटफॉर्म मिले फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को एंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को, कि वो अपने एक्सपोर्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें. APEDA है क्या? दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. इसे इस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
अंडर द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985। ये अथॉरिटी ने रिप्लेस किया प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल को। APEDA जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है, प्रोमोट करता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट को फ्रॉम इंडिया। ये आप थोड़ा रीड कर लीजिए कि फ्रूट्स, मीट, पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग, बिस्किट्स, हनी, कोको, एल्कोहलिक सीरियल, ग्राउंडनट्स, पिकल्स, ग्वार गम, फ्लोरिकल्चर, हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स, इन सबको ये एक्स हेल्प करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ज़रूर देख लीजिए, जो चेयरमैन है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, डायरेक्टर को APEDA, सेक्रेटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर ऑफिसर्स एंड स्टाफ को अथॉरिटी। तो एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो कि काफ़ी सारे फार्म प्रोड्यूसर्स ने मिलकर बनाई है, ये एक रजिस्टर्ड बॉडी है विद प्रोड्यूसर्स एज शेयर होल्डर्स। ये बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ डील करती है रिलेटेड टू फार्म प्रोड्यूस एंड इट वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर प्रोड्यूसर्स। नाउ वी विल रीड अबाउट HSN कोड। तो इंडिया ने नॉट टू अलाउ इम्पोर्ट, आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास HSN कोड नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो भी ग्लोबली एक्सेप्टेड होंगे ड्यू टू क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। HS का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम। ये 6-डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, जो पहले 2 नंबर होते हैं उसमें HS चैप्टर, जो मिडल 2 होते हैं उसमें हेडिंग एंड जो लास्ट 2 होते हैं उसके अंदर सब हेडिंग। इसे बनाया है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशंस ने एंड यूनिवर्सल इकोनॉमिक लैंग्वेज है ये गुड्स के लिए। एक मल्टीपर्पस इंटरनेशनल प्रोडक्ट नॉमनक्लेचर है एंड इसके अंदर अराउंड 5,000 कम्युनिटी ग्रुप्स हैं। HSN जो HS कोड है उसे HSN कोड कहा जाता है। इंडिया में गुड्स को क्लासिफाई किया जाता है इनटू हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर और HSN एंड इट इज़ यूज अप टू 8-डिजिट लेवल। इसको वाइडली यूज़ किया जाता है टैक्सेशन पर्पसेस के लिए, ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि क्या टैक्स रेट अप्लाई होगा टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री। एंड इसको यूज़ किया जाता है कैलकुलेशंस में भी दैट इन्वॉल्व क्लेमिंग बेनिफिट्स। HS कोड्स जो हैं वो यूज़ करती हैं कस्टम अथॉरिटीज़, स्टैटिकल एजेंसीज एंड अदर रेगुलेटरी गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज थ्रू, कैसे करेंगे, कस्टम टैरिफ से, इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करके, रूल्स ऑफ ओरिजिन, कलेक्शन ऑफ इंटरनल टैक्सेस, ट्रेड नेगोशिएशंस, ट्रांसपोर्ट टैरिफ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्ड गुड्स एंड एरियाज ऑफ कस्टम कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज इस सिस्टम को यूज़ करते हैं अपने कस्टम टैरिफ्स के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स डाटा कलेक्ट करते हैं, अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ बनाते हैं, गुड्स को मॉनिटर करते हैं एंड इससे जो कस्टम्स एंड जो ट्रेड प्रोसीजर्स हैं वो हार्मोनाइज हो पाते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड की कॉस्ट में भी कमी आती है। नाउ वी विल रीड अबाउट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 102 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है वो अनवील कर दिया इन अकॉर्डेंस विद नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट विजन टू मेक इंडिया अ $5 trillion इकोनॉमी बाई 2024 to 2025। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स सेटअप किया जिसे हेड करेंगे इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, ताकि एक रोड मैप बनाया जा सके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए फ्रॉम 2019-20 to 2024 to 2025 अंडर द रुपीज़ 100 lakh crore इंफ्रा प्लान। सेक्टर स्पेसिफिक क्या है, इरिगेशन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 7.7 lakh crore के होंगे, 3.07 lakh crore रुपए खर्च होंगे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एग्रीकल्चर और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेस्ट के लिए रखा जाएगा, मीन्स बचे हुए के लिए। रोड प्रोजेक्ट्स में 19.63 lakh crore, ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। पोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए 1 lakh crore, एयरपोर्ट्स के लिए 1.43 lakh crore एंड ये थोड़ा देख लीजिए 24.54 lakh एनर्जी के लिए, 11.7 पावर के लिए, 42 lakh crore एक्सप्रेसवेज नेशनल गैस ग्रिड के लिए। नाउ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है क्या और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है,
ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इंडिया को 4.5 ट्रिलियन डॉलर जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने होंगे बाय 2030 अगर अपना ग्रोथ रेट सस्टेन करना है। तो ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है इज़ टू मेक दिस हैपन इन एन एफिशिएंट मैनर। फंडिंग क्या रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके इक्वल शेयर होंगे, मीन्स 39% ईच इन द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। जो प्राइवेट सेक्टर है दो अदर्स ऑन द अदर हैंड उनका 22% शेयर होगा, विच द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू इंक्रीज टू 30% बाई 2025। तो जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो इंश्योर करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड हों और लॉन्च्ड हों। हर इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स ताकि टाइमली एंड विद इन कॉस्ट इम्प्लीमेंट हो सके। इसके साथ में ही मीन्स इट विल हेल्प इन स्टेपिंग अप द एनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ताकि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो भी 5 ट्रिलियन डॉलर का बन जाए बाई 2024 टू 2025। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। नाउ वी विल रीड अबाउट फेम सेकेंड स्कीम। तो एक और रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमें क्लीन मोबिलिटी लाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने 2636 चार्जिंग स्टेशंस को सेंक्शन किया है इन 62 सिटीज़ अक्रॉस 24 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज अंडर फेम इंडिया फेज सेकेंड। फेम की फुल फॉर्म भी जान लीजिए, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। इसका मकसद यही है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़े, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ें। 10,000 करोड़ रुपये जो हैं वो पहले 3 साल के लिए रखे गए हैं 2022 तक फॉर फेम सेकेंड स्कीम। गवर्नमेंट ऑफर्स देगी फॉर द इलेक्ट्रिक बसेस, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स, हाइब्रिड जो इन मतलब जो प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं, लिथियम आयन बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर जो होते हैं उन्हें भी इंक्लूड किया जाएगा। फेम सेकेंड स्कीम से इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग होने में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव होने में कैसे मदद मिलेगी, सेंटर जो है वो इन्वेस्ट करेगी चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करने के लिए, जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड प्राइवेट प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 1 स्लो चार्जिंग यूनिट होगा फॉर एवरी इलेक्ट्रिक बस एंड 1 फास्ट चार्जिंग स्टेशन होगा फॉर 10 इलेक्ट्रिक बसेस। जो प्रोजेक्ट है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उसमें यही है कि इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ाना है फॉर रनिंग व्हीकल्स सच एज पेंटोग्राफ चार्जिंग एंड फ्लैश चार्जिंग। फेम टू जो है वो इनकरेज करेगा इंटरलिंकिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बैकग्राउंड क्या है, फेम इंडिया पार्ट है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का एंड मेन थ्रस्ट फेम का यही है कि एनकरेज करने हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़। फेम के 4 एरियाज़ हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट्स एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नीड ऑफ द आर क्या है, इंडिया को ऑटो इंडस्ट्रीज एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांजिशन क्या हो सके, इजी बन सके। जो ऑटो एंड जो बैटरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोलैबोरेट करेंगी ताकि कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़े, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े एंड गवर्नमेंट को फोकस करना होगा फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लान पर टू प्रोमोट ईवीज़, प्रोवाइड फिस्कल एंड नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स एंड अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अलग अलग पॉलिसीज़ को कंसीडर करना होगा, जैसे कि कंजेशन प्राइजिंग, ZEV क्रेडिट्स, लो एमिशन एक्सक्लूसिव जोन्स, पार्किंग पॉलिसीज़। नाउ वी विल रीड अबाउट उजाला स्कीम। तो 5th एनिवर्सरी जो सेंटर की जीरो सब्सिडी है उजाला स्कीम, एंड उजाला की फुल फॉर्म है आपकी उन्नति ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल एंड SLNP दैट इज़ लेड LED स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम। तो जो SLNP है, स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम है, 5 ईयर्स में 1.03 करोड़ स्मार्ट LED स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल की जा चुकी हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा बाय 4.8 मिलियन टन्स एनुअली एंड ये जो इनिशिएटिव है इससे 13,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। उजाला प्रोग्राम के अंडर 36.13 करोड़ LED बल्ब्स अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस एमिशन 38 मिलियन टन से हर साल रिड्यूस होगी। स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है एफिशिएंट लाइटनिंग लेकर आना,
अवेयरनेस को बढ़ाना जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो, प्रिजर्व करना एनवायरनमेंट को, एंड इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय EESL, दैट इज़ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है PSUs का अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। उजाला एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ चाहते हैं कि हर घर में LED बल्ब्स का यूज़ हो ताकि जो नेट पावर है या जो एनर्जी कंजम्पशन रेट है वो कम हो जाए एंड कार्बन एमिशन रेट्स को भी चेक किया जा सके। SLNP 2015 में लॉन्च हुआ था, दैट इज़ EESL's स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम, एंड इससे 50 लाख स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उनको रिप्लेस किया गया था इन ओवर 500 सिटीज़, जिसकी वजह से 135 करोड़ किलोवाट ऑफ एनर्जी सेविंग्स हुई एंड कॉस्ट भी कम हुई 742 करोड़ हर साल। EESL रिप्लेस करता है कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स को विद LEDs एट इट्स ओन कॉस्ट। नाउ वी विल रीड अबाउट स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019। तो ये जो इंडेक्स है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2018, ये पहला था एंड अब इसका नाम बदलकर, मतलब प्रिपेयर्डनेस हटा दिया गया है, इसे लॉन्च किया गया था 1 अगस्त 2018 को। ये एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स की प्रोग्रेस देखता है 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में 97 इंडिकेटर्स के बेस्ड पे। चार ग्रुप्स के अंदर स्टेट्स को डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई, दैट इज़ TPES, एंड कितनी चाहिए टू मीट द स्टेट्स एक्चुअल एनर्जी डिमांड। तो जैसे कि एनर्जी डिमांड किस लिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी के, कोल, ऑयल, गैस एंड अमंग अदर्स। तो ये जो इंडेक्स है ये कैटेगराइज करता है स्टेट्स को कि कौन है फ्रंट रनर, कौन है अचीवर, कौन है कंटेंडर एंड कौन है एस्पिरेंट, एफर्ट्स के बेसिस पे एंड अचीवमेंट्स के बेसिस पे। तो कोई देखिए इस साल कोई भी फ्रंट रनर नहीं रहा। इस इंडेक्स को डेवलप करते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, किसके साथ मिलकर, अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के साथ मिलकर। इस इंडेक्स को रिलीज़ करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो स्टेट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करें नेशनल गोल्स को अचीव करने में ऑन एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो बेस्ट परफॉर्मेंस रहे हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी एंड कर्नाटका। लीस्ट परफॉर्मर्स रहे मणिपुर, झारखंड, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये जो इंडेक्स है इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है बिकॉज वी ऑल नो कि अभी ग्रीन हाउस गैसेस का बिगेस्ट एमिटर जो है US एंड चाइना के बाद वो इंडिया भी है, एंड इंडिया को भी प्लान करने की ज़रूरत है कि वो अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो 33 से 35% तक कम करे, क्योंकि ये हमारा UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो 195 कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया था पेरिस में 2015, ये उसका भी टारगेट है। नाउ वी विल रीड अबाउट डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज फॉर स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो नीति आयोग ने एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके अंदर नीति आयोग सपोर्ट करेगा लद्दाख को एडमिनिस्टर करने में थ्रू इट्स इनिशिएटिव। क्या इनिशिएटिव है? डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जो डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज हैं फॉर स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इसे नीति आयोग ने इम्प्लीमेंट किया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का ट्रांसफॉर्मेशनल एंड सस्टेन्ड डिलीवरी देखी जा सके। एंड की ऑब्जेक्टिव यही है कि सक्सेस स्टोरीज को क्रिएट करना है, रीबूट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिलीवरी मॉडल्स को। ये काम कैसे करता है? इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट लेवल सपोर्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट प्लान टिल फाइनेंशियल क्लोजर टू स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज। नाउ वी विल रीड अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो मार्केट्स रेगुलेटर सेबी ने एक फ्रेमवर्क लाए हैं सामने फॉर द राइट्स इशू ऑफ यूनिट्स बाई लिस्टेड REIT एंड इनवाइट्स, दैट इज INVITs। अब ये गाइडलाइंस के अंदर क्या आते हैं? इशूअर को डिस्क्लोज करने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल डिटेल्स। सेबी को भी अलाउड है कि वो लिस्ट करेंगे REIT को, इनविट को, टू मेक अ राइट इशू ऑफ यूनिट्स। एंड प्राइजिंग के रिगार्ड जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होगा वो REIT एंड INVIT के बिहाफ पर लीड मर्चेंट बैंकर्स के साथ कंसल्ट करके इशू प्राइस को डिसाइड करेंगे।
विद रिगार्ड टू मैनर ऑफ इशुएंस ऑफ यूनिट, तो यूनिट जो हैं उन्हें ये देश शैल बी अलॉटेड इन द डी मटेरियलाइज फॉर्म ओनली एंड उनको लिस्ट किया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पर. नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो ये हम INVIT पढ़ रहे हैं ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होती हैं जिसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थोड़े थोड़े पैसों में कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ताकि थोड़ी अमाउंट में रिटर्न मिल सके. तो ये मॉडिफाइड वर्जन है REIT का. तो REIT क्या होता है, REIT है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. ये भी म्यूचुअल फंड की तरह ही है जिसमें रियल एस्टेट में पैसा खर्च करना होता है और लेकिन जो सिमिलैरिटी है डज नॉट गो मच फर्दर. बेसिक ये है कि आपके पास कोई शेयर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए एंड कोई अप्रोप्रिएट शेयर ऑफ इनकम होना चाहिए दैट विल कम टू यू आफ्टर डिडक्टिंग द शेयर ऑफ एक्सपेंसेस. तो INVITs एंड REITs की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो रियल एस्टेट हैं वो डेवलपिंग इकोनॉमी के टू क्रिटिकल सेक्टर्स हैं. अगर एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप होगा तभी कंट्री की डेवलपमेंट होगी, इनफ्लो होगा प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट का. तो अगर इन दो सेक्टर्स को इम्पोर्टेंस देंगे तो पब्लिक फंड्स अवेलेबल होंगे जिसकी वजह से ग्रोथ भी बढ़ेगी. नाउ वी विल रीड अबाउट गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल. तो आर्मी ने एक प्रोसेस स्टार्ट की है कि उन इंडस्ट्री पार्टनर्स को पहचानो ताकि गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जा सके फॉर इट्स बेस वर्कशॉप. बैकग्राउंड क्या है, जो ये GOCO मॉडल है ये एक रिकमेंडेशन थी लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकाटकर रिटायर्ड हो गए हैं कमेटी की कि कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इन्हेंस करो एंड रीबैलेंस करो डिफेंस एक्सपेंडिचर को. अब ये कैसे काम करता है, जो एसेट्स होते हैं गवर्नमेंट के वो ऑपरेट करेंगी प्राइवेट इंडस्ट्रीज. इस मॉडल के अंदर प्राइवेट कंपनीज़ को कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही लैंड में, ना ही मशीनरी में एंड नॉर इवन इन सपोर्ट सिस्टम. सब कुछ जो सेटअप करते हैं गवर्नमेंट करती है एंड प्राइवेट सेक्टर को फुल इंडिपेंडेंस दी जाती है कि वो अपने बेस्ट तरीके से मिशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो इसका फ़ायदा ये होता है कि टारगेट्स अचीव हो जाते हैं काफ़ी कम समय में एंड इससे कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती है अमंग द प्राइवेट एंटिटीज़ पेविंग द वे टू न्यूअर टेक्नोलॉजीज. Now we will read about Global Investment Trend Monitor Report, जिसे कंपाइल किया United Nations Conference on Trade and Development ने. एंड इंडिया स्पेसिफिक देखे तो इंडिया जो है वो टॉप 10 रिसिपेंट्स में रही ऑफ FDI इन 2019. $49 बिलियन अट्रैक्ट किया इन इनफ्लोज, 16% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. तो जो ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इट रिमेन्ड फ्लैट इन 2019 एट $1.39 ट्रिलियन, मीन्स 1% डिक्लाइन हुआ फ्रॉम अ रिवाइज्ड $1.41 ट्रिलियन इन 2018. रीज़न क्या है, ये अगेंस्ट है बैकग्राउंड ऑफ वीकर मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी के. जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं वो कंटिन्यू रहेंगी टू अब्सॉर्ब मोर देन हाफ ऑफ ग्लोबल FDI फ्लोज. साउथ एशिया ने 10% इंक्रीज देखा है अपने FDI में $60 बिलियन तक एंड यही ग्रोथ जो है वो इंडिया भी अचीव कर सकता है. जो FDI फ्लोज हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर वो कम रहे एंड 6% बल्कि कम ही हुए हैं. US के अंदर जो ज़ीरो ग्रोथ हुई फ्लोज की विच रिसीव $251 बिलियन FDI इन 2019 जबकि पहले 254 थी. इसके बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट लार्जेस्ट रिसिपेंट है FDI का एंड इसके बाद है चाइना एंड देन सिंगापुर. जो FDI है UK के अंदर वो क्योंकि ब्रेग्जिट हो गया तो उसकी वजह से 6% कम हो गया. GDP ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड जो ट्रेड हैं वो बढ़ते हैं ग्लोबल लेवल पर भी एंड मार्केट्स के अंदर भी. मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के अगर इम्प्रूवमेंट होगी तो जो MNEs हैं वो रिज्यूम कर पाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव एसेट्स एंड अगर सिग्निफिकेंट रिस्क परसिस्ट भी करते हैं, हाई डेप्ट एक्यूमुलेशन भी होती है अमंग इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड कंसर्न्स अबाउट अ फर्दर शिफ्ट टुवर्ड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज. नाउ वी विल रीड अबाउट सम साइंस एंड टेक टॉपिक्स, दैट इज गगनयान मिशन. तो इसरो के चेयरमैन ने गगनयान जो फर्स्ट मैन मिशन टू स्पेस है
4 एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट कर लिए हैं। तो इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम इसरो ने लॉन्च किया है ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान अपनी 75th एनिवर्सरी से पहले ही, इंडिया की इंडिपेंडेंस क्योंकि 2022 में, तो इसीलिए पहले ही मीन्स लॉन्च करेंगी। मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है? साइंस एंड टेक बढ़ेगा, एक नेशनल प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, यूथ इंस्पायर होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इम्प्रूव होगा। अब इसका सिग्निफिकेंस या फिर रेलिवेंस क्या है? इंडस्ट्रीज़ को बूस्टअप मिलेगा, जो इंडियन इंडस्ट्री हैं वो फाइंड करेंगी लार्ज अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू पार्टिसिपेशन इन हाईएस्ट डिमांडिंग स्पेस मिशन। इससे 60% जो इक्विपमेंट है वो ग्रो होगा। एम्प्लॉयमेंट इसरो चीफ के अकॉर्डिंग 15,000 नई जॉब मिलेंगी, 13,000 प्राइवेट के अंदर एंड स्पेस में 900। टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, स्पर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी, मोटिवेशन मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगी। एस्ट्रोनॉट्स के लिए चैलेंजेस क्या हैं? एस्ट्रोनॉट्स को अपने आप को अडॉप्ट करना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड के चेंज के, क्योंकि जब ग्रेविटी के अंदर चेंज होता है तो उससे हैंड आई हेड आई का कोऑर्डिनेशन पे फर्क पड़ता है, बोन्स के मिनरल्स भी कम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एडिंग टू द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर्स। एंड अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इम्प्रॉपर डाइट होगी, तो उससे मसल स्ट्रेंथ भी कम होगी, जिससे देखने की प्रॉब्लम हो सकती है। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो 10 times ज़्यादा रेडिएशन रिसीव करते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्थ, एंड जो ट्रेनिंग के बावजूद भी जो बिहेवियर इश्यूज हैं वो हो जाते हैं ड्यू टू डिप्रेशन, फटीग, स्लीप डिसऑर्डर्स एंड साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स। नाउ वी विल रीड अबाउट इंडियन साइंस कांग्रेस। तो 107th इंडियन साइंस कांग्रेस हो गया है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस के अंदर इन बेंगलुरु एंड कर्नाटका। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट इसकी थीम रही। इसे ऑर्गेनाइज करता है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन हर साल इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन स्टार्ट हुआ था 1914 में कोलकाता में। 30,000 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट इसके अंदर हैं, एंड ये इनिशिएटिव था 2 ब्रिटिश केमिस्ट का। इनके नेम है प्रोफेसर जे एल सिमोनसन एंड प्रोफेसर पी एस मैकमोहन। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? साइंस को प्रमोट करना है, एक एनुअल कांग्रेस रखनी है एट अ सूटेबल प्लेस, पब्लिश करनी है ऐसी प्रोसीडिंग्स, जर्नल्स एंड ट्रांजेक्शन जो डिज़ायरेबल हों, फंड्स को मैनेज करना है, परफॉर्म करना है अच्छे से। प्रोजेक्ट नेत्र, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने IIA दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ एक पैक्ट इंक किया है दैट दे विल इस्टैब्लिश ऑप्टिकल टेलीस्कोप फैसिलिटीज़ अंडर प्रोजेक्ट नेत्र टू ट्रैक स्पेस ऑब्जेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट नेत्र है क्या? नेत्र का फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इसरो होगा वो काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज़ पुट करेगा, जैसे कि कनेक्टेड रेडार्स, टेलीस्कोप्स, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड अ कंट्रोल सेंटर्स, एंड दे कैन अमंग अदर्स स्पॉट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, कैटलॉग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को एज स्मॉल एज 10 centimeters अप टू अ रेंज ऑफ 3400 kilometers एंड इक्वल टू अ स्पेस ऑर्बिट ऑफ अराउंड 2000 kilometers। इससे इंडिया की कैपेबिलिटी जो है वो मजबूत होगी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के अंदर, एंड लाइक द अदर स्पेस पावर्स। जो नेत्र का इवेंचुअल गोल है वो यही है कि कैप्चर किया जाए GEO को, दैट इज़ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को, सीन एट 36,000 kilometers वेयर कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स ऑपरेट। ये जो एफर्ट है ये इंडिया को पार्ट बनाएगा इंटरनेशनल एफर्ट्स का टुवर्ड्स ट्रैकिंग, वार्निंग अबाउट एंड मिटिगेटिंग स्पेस डेब्रिस। करंटली 15 फंक्शनल इंडियन कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर ऑफ 36,000 kilometers। 13 रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स हैं इन LEO ऑफ अप टू 2,000 kilometers एंड 8 नेविगेशन सेटेलाइट्स हैं इन मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स। बैकग्राउंड क्या है? जो स्पेस जंक है वो एक प्रॉब्लम है विद मोर देन 7,500 tons ऑफ रिडंडेंट हार्डवेयर, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा सोचा जा रहा है कि वो अर्थ को सर्कल कर रहे हैं, एंड ओल्ड रॉकेट बॉडी से रेंज होते हुए एंड एक डिफंक्ट स्पेस क्राफ्ट
थ्रू टू स्क्रूज एंड इवन फ्लैक्स ऑफ पेंट. सो ये जो राइजिंग पॉपुलेशन है स्पेस डेब्रिस की, इसकी वजह से डेंजर बढ़ता है स्पेस व्हीकल्स के लिए, बट स्पेशली टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस, स्पेस शटल्स, सैटेलाइट्स एंड अदर स्पेस क्राफ्ट. तो एक बार और अच्छे से रीड कर लें. नाउ वी विल रीड अबाउट साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी. तो सेंटर जो है इज़ इन एडवांस्ड स्टेजेस कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं एक पॉलिसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो ड्राफ्ट है वो भी रिलीज़ हो गया है. तो इंडिया पहली कंट्री होगी जो इसको लॉन्च करेगी, किसके लाइन्स पे? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लाइन्स पे. एंड ये जो पॉलिसी है, इसका जो नया ड्राफ्ट है वो कौन बनाने जा रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक. बेनिफिट्स क्या होंगे? अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एसेस प्रोवाइड होगी, साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर लिंकेजेस बढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंकरेज होगी. थोड़ा हाइलाइट्स देख लेते हैं. तो इस प्रपोज्ड पॉलिसी के अंदर जो इंडिविजुअल साइंटिस्ट हैं या जो नॉलेज वर्कर्स हैं, दे विल बी रिक्वायर्ड टू डिवोट एटलीस्ट 10% डेज ऑफ SSR पर ईयर फॉर एक्सचेंजिंग साइंटिफिक नॉलेज टू सोसाइटी. एंड ये भी रिकॉग्नाइज करता है नीड को कि हमें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने होंगे फॉर आउटरीच एक्टिविटीज़ विद नेसेसरी बजटरी सपोर्ट. साथ में क्रेडिट देना होगा नॉलेज वर्कर्स को, साइंटिस्ट को, फॉर इंडिविजुअल SSR एक्टिविटीज़ इन देयर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड इवेल्युएशन. किसी भी इंस्टीट्यूशन को अलाउ नहीं करना टू आउटसोर्स और सब कॉन्ट्रैक्ट देयर SSR एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स. जो ड्राफ्ट है वो SSR को कैसे डिफाइन करता है कि जो नॉलेज वर्कर्स हैं साइंस एंड टेक के अंदर या जो कंट्रीब्यूट करते हैं अपने नॉलेज को, उनका एथिकल ऑब्लिगेशन. जो सेंट्रल एजेंसी है वो इस्टेब्लिश की जाएगी DST के अंदर टू इम्प्लीमेंट द SSR. SSR की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब रिसर्च जो है वो करी जाती है बाय यूजिंग टैक्स पेयर्स मनी, तो जो साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट है उसका एथिकल ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए कि वो यही पैसा वापस सोसाइटी को दे. तो ये सिर्फ एक साइंटिफिक इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए सोसाइटी के लिए, बल्कि सोशल इम्पैक्ट भी होना चाहिए. नाउ वी विल रीड अबाउट वर्ल्ड्स मोस्ट एफिशिएंट लिथियम सल्फर बैटरी डेवलप्ड इन ऑस्ट्रेलिया. तो रिसर्चर्स ने एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाश इन ऑस्ट्रेलिया एंड दे हैव मैनेज्ड कि उन्होंने एक सुपर कैपेसिटी प्रोटोटाइप क्रिएट किया है बाय री इंजीनियरिंग अ लिथियम सल्फर बैटरी. LIS बैटरीज जो हैं वो न्यू नहीं है, बल्कि दे हैड एन इंट्रेंसिक प्रॉब्लम विद सल्फर इलेक्ट्रोड जो कि ब्रेक हो जाता है आफ्टर रिपीटेड चार्ज साइकल्स एंड मेकिंग इट्स सुपीरियर कैपेसिटी रिडंडेंट. जो सल्फर कैथोड है इट वुड ब्रेक बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग साइकल्स. ये जो प्रॉब्लम है कैसे ओवरकम हो सकती है? इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए रिसर्चर्स को इलेक्ट्रोड्स को ज़्यादा स्पेस देना होगा टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट. जो इलेक्ट्रोड्स होंगे दे आर बाउंड इन, जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ब्रिजेस की तरह बिहेव करेंगे बिटवीन द सल्फर पार्टिकल्स रेदर देन अ डेंस नेटवर्क. नाउ हाउ इट वर्क्स, जो लिथियम सल्फर बैटरीज हैं वो इसी तरीके से काम करती हैं जैसे कि एक रेगुलर लिथियम आयन वर्क करता है. लिथियम आयन फ्लो होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स प्रोड्यूसिंग पावर वाइल नॉट बीइंग केमिकली चेंज्ड. तो बैटरी को चार्ज करने के लिए कुछ आयन्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि रिटर्न हो जाते हैं टू देयर स्टार्टिंग पोजिशंस. नाउ सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो बैटरी है ये 5 गुना ज़्यादा होगी ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी से एंड 99% जो चार्ज है वो 200 चार्ज साइकिल्स के बाद भी इसके अंदर रिटेन करने की क्षमता होगी. जो LIS बैटरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होंगी लिथियम आयन बैटरीज से. नाउ वी विल रीड अबाउट लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट दैट इज़ लीगो. तो एक इंटरनेशनल टीम जिसे लेड किया लीगो वर्गो साइंटिस्ट ने, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एक दूसरा इवेंट ऑफ ग्रेविटेशनल रिपल्स फ्रॉम अ कोलिजन ऑफ टू न्यूट्रन स्टार्स एंड मेकिंग इट द सेकेंड टाइम दिस टाइप ऑफ अकरेंस हैज़ एवर सीन और ऑब्जर्व्ड इन ग्रेविटेशनल वेव्स. अगस्त 2017 में जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था ग्रेविटेशनल रिपल्स का फ्रॉम अ न्यूट्रॉन स्टार कॉलिजन, उसने हिस्ट्री बनाई थी कि फर्स्ट टाइम ग्रेविटेशनल वेव्स और लाइट जो थी वो डिटेक्ट की गई थी सेम कॉस्मिक अकरेंस से. लीगो है क्या? ये एक मैसिव ऑब्जर्वेटरी है फॉर डिटेक्टिंग कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स एंड फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स. इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि
कि ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशंस को यूज़ किया जाए इन एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑपरेट करता है 3 ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स को। 2 जो हैं वो हैं हैनफोर्ड में, वॉशिंगटन में, नॉर्थ वेस्टर्न यूएस के अंदर, एंड एक है लिविंगस्टन इन ल्यूसैनिया, दैट इज़ साउथ ईस्टर्न यूएस। जो प्रपोज लीगो इंडिया प्रोजेक्ट है उसे 1 एडवांस्ड लीगो डिटेक्टर बनेंगे हम फ्रॉम हैनफोर्ड टू इंडिया। लीगो इंडिया प्रोजेक्ट है क्या, इसको पायलट किया है और बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। इसको लीगो इंडिया प्रोजेक्ट जो होगा वो जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड एंड एग्जीक्यूट करेंगे 3 इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, दैट इज़ IUCAA, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, देन IPR, दैट इज़ पुणे, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, देन गांधीनगर एंड राजा रामन सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंदौर। इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, इससे अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी साइंटिस्ट को एंड इंजीनियर्स को। जो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट है उससे कंसिडरेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी फॉर द इंडियन इंडस्ट्रीज़, जो कि 8 किलोमीटर लॉन्ग बीम ट्यूब बनाना चाहते हैं एट अल्ट्रा हाई वैक्यूम। इसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही इंडिया ज्वाइन करेगा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स, एंड इस्टेब्लिशिंग एन ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द फर्दर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेटरीज द ग्रेटर विल बी द एक्यूरेसी इन लोकेटिंग ग्रेविटी वेव्स। नाउ वी विल रीड अबाउट हाइपर लूप। तो जो प्रपोज्ड पुणे मुंबई हाइपर लूप प्रोजेक्ट है जो कि एक अल्ट्रा मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये रिड्यूस करेगा टाइम ट्रैवलिंग टाइम बिटवीन 2 सिटीज़ 25 मिनट से, मतलब 2.5 से 3 घंटे, जो कि स्क्रैप हो सकता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट ने अपनी रिजर्वेशंस दिखाई हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, एंड इट वॉज स्टिल इन इट्स एक्सपेरिमेंटल स्टेज एंड इट हैड नॉट बीन, मतलब कहीं पे भी वर्ल्ड में ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता क्या है, ये एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जहाँ पे पॉड लाइक स्ट्रक्चर को प्रोपेल किया जाता है एक नियर वैक्यूम ट्यूब के अंदर, एंड कनेक्ट करता है सिटीज़ को एट स्पीड्स मैचिंग दैट ऑफ एयरक्राफ्ट। नाउ ये ब्रेन चाइल्ड है ऑफ टेस्ला फाउंडर एलोन मस्क। कैसे ऑपरेट करता है हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, जो कस्टम डिज़ाइन कैप्सूल्स होते हैं या जो पॉड्स होते हैं उनको जिप किया जाता है स्मूथली थ्रू द कंटिन्यूअस स्टील ट्यूब्स विच आर हेल्ड एट पार्शियल वैक्यूम। जो ये पॉड होते हैं फिर ये सैंडविचेस करते हैं किसको, पैसेंजर्स के कंपार्टमेंट को, बिटवीन एन एयर कंप्रेसर अप फ्रंट एंड अ बैटरी कंपार्टमेंट इन द रियर, जिसे सपोर्ट करते हैं एयर कास्टर स्किस एट द बॉटम। ये थोड़ी साइंस की लैंग्वेज, तो ये आप थोड़ा सा अपने आप से पढ़ लीजिएगा क्योंकि साइंस जो है वो मुझे इतनी समझ आती नहीं है, लेकिन पेपर में तो आती है। तो और साइंस के लिए ये भी कहा जाता है कि साइंस के लिए जो न्यू चल रहा है न्यूज़ के अंदर वही पढ़ा जाए। तो थोड़ा सा इसको एक दो बार और रीड कीजिए, मैं दोबारा से बताती हूँ। द स्काईज फ्लोट ऑन अ थिन लेयर ऑफ एयर प्रोवाइडेड अंडर हाई प्रेशर, एलिमिनेटिंग रोलिंग रेजिस्टेंस एंड अलाउइंग फॉर अ मूवमेंट ऑफ द पोड्स एट हाई स्पीड्स। ये जो कैप्सूल्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू बी ड्राइवरलेस, एंड ये पॉइंट है नोट करने वाला, जिसकी एस्टिमेटेड स्पीड रहेगी 1000 किलोमीटर पर आवर। जो लीनियर इंडक्शन मोटर्स होंगी वो देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना कि ट्यूब्स जो होंगी वो कनेक्टेड होंगी, एंड ये जो ट्यूब्स हैं इसी के मतलब ट्यूब कंट्रोल पर ही इसको प्लेस किया जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिकली असिस्टेंट एसेलरेशन है एंड जो ब्रेकिंग है वो डिटरमाइन करेगी कैप्सूल की स्पीड। तो इसके लिए देखिए, एक तो ट्यूब बनानी पड़ेगी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स लॉन्ग, तो जो कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है अपने आप में, क्योंकि हंड्रेड ट्यूब बनाना हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स नियर परफेक्ट वैक्यूम के पास, तो उसके अंदर सपोर्ट चाहिए काफ़ी चीज़ों का, ठीक है। साई फाई फैंटेसी होनी चाहिए, स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट्स रिवील कर देंगे कि ये जो आइडिया है वो साउंड है या नहीं है, ठीक है। तो अभी तक तो वर्ल्ड में कहीं पे ऑप्ट नहीं किया गया है। प्रॉब्लम है थर्मल एक्सपेंशन से भी, वे जो हाइपर लूप है वो स्टूपेंडसली एक्सपेंसिव भी है, अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम्स फेस करेंगे स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी से एंड एवरी ह्यूमन लाइफ ऑन बोर्ड,
सो दिस इज ऑल अबाउट, नाउ वी विल रीड अबाउट नाविक. तो क्वेलकॉम टेक्नोलॉजीज ने अनवील किया है मोबाइल चिपसेट्स जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन रीजनल सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक को. जो रिलीज है चिपसेट्स का वो हेल्प करेगा इन एक्सेलरेटिंग द अडॉप्शन ऑफ नाविक बाय स्मार्टफोन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, दैट इज OEMS. नेविक क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है जो कि पोजीशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन द इंडियन रीजन एंड 1500 किलोमीटर अराउंड द इंडियन मेनलैंड. सर्विसेज, टू टाइप्स के सर्विसेज हैं, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज जो कि सभी यूजर्स के लिए होती हैं एंड रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो सिर्फ एथोराइज यूजर्स के लिए होती हैं. इसे टेरेस्ट्रियल, एरियल, मेराइन नेविगेशन में यूज़ किया जा सकता है, डिजास्टर को मैनेज करने में, व्हीकल को ट्रैक करने में, इंटीग्रेट करना विद मोबाइल फोन्स, प्रिसाइज टाइमिंग मैपिंग करने में, ठीक है, विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स. इसके अंदर 7 सेटेलाइट्स होते हैं जिनमें से 3 जो होंगी वो इंडियन ओशियन के ऊपर जियो स्टेशनरी होंगी एंड 4 जियो सिंक्रोनस होंगी. एंड ऐसा लगेगा ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी कि हर सेटेलाइट को ट्रैक किया जाएगा बाय एटलीस्ट 1 ऑफ 14 ग्राउंड स्टेशंस. नाउ ये ज़रूरी क्यों है कि इंडिजीनियस ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम हो? क्योंकि इससे नेशन की एबिलिटी बढ़ती है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने में, गारंटी होती है एश्योरेंस पॉलिसीज़ की एंड एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया जाता है रिलीफ एफर्ट्स के अंदर. जैसे कि डिज़ास्टर्स के अंदर सुनामी आया था इंडियन ओशियन रीजन में 2004 में एंड पाकिस्तानी इंडिया अर्थक्वेक आया था 2005 में. नाउ वी विल रीड अबाउट पोली क्रैक टेक्नोलॉजी. तो कंट्री का पहला गवर्नमेंट ओन्ड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ बनने जा रहा है? उड़ीसा में. कहाँ पर? मंचेश्वर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप के अंदर. ये जो प्लांट है ये एक पेटेंट टेक्नोलॉजी होगी जिसको पोली क्रैक कहा गया है एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द इंडियन रेलवेज एंड फोर्थ रहेगा कंट्री में. ये मल्टी फीड स्टॉक्स को कन्वर्ट करेगा एक हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल्स के अंदर, गैस के अंदर, कार्बन के अंदर एंड वाटर के अंदर. पोली क्रैक वर्ल्ड का पहला पेटेंटेड हेट्रोजीनियस कैटालिटिक प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है मल्टीपल फीड स्टॉक्स को इनटू हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल्स, गैस, कार्बन एज वेल एज वाटर. जो वेस्ट जनरेट होता है इट विल बिकम द फीडर मटेरियल फॉर द वेस्ट एंड जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी एट द प्लांट वो फॉर्म में रहेगी लाइट डीजल ऑयल के एंड दिस ऑयल विल बी यूज्ड टू लाइट फर्नेसेस. जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी है 500 kg की पर बैच एंड इट कैन बी फेड विद द फॉलोइंग, जैसे कि प्लास्टिक हो गए, पेट्रोलियम स्लज हो गए, अनसेग्रीगेटेड MSW हो गए जिनका मॉइस्चर 50% तक हो, ई वेस्ट है, ऑटोमोबाइल फ्लफ है, ऑर्गेनिक वेस्ट है इंक्लूडिंग बम्बू एंड गार्डन वेस्ट, जट्रोफा फ्रूट एंड पाम ब्लच. तो इसके फ़ायदे क्या होंगे? प्री सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड हाई टॉलरेंस रहेगा मॉइस्चर को भी, जो वाटर प्रोसेस्ड हो पाएगा विद इन 24 आवर्स. बायोलॉजिकल डिस्कम्पोजिशन नहीं अलाउड होगी. जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनको वैल्यूएबल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है. जो गैस जनरेट होगी इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट उसको रीयूज़ किया जाएगा टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सिस्टम एंड जो प्लांट है वो एटमोस्फेरिक एमिशन भी कॉज नहीं करता ड्यूरिंग द प्रोसेस. नाउ वी विल रीड अबाउट इंडियन डाटा रिले सेटेलाइट सिस्टम. तो इंडिया जो है वो अपने स्पेस टू स्पेस ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ इट्स स्पेस एसेट्स जो है वो इस साल क्रिएट करने जा रहा है बाय पुटिंग अप अ न्यू सेटेलाइट सीरीज कॉल्ड द इंडियन डाटा रिले सेटेलाइट सिस्टम. तो IDRSS जो है वो है क्या एंड ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो IDRSS को इसलिए प्लान किया गया ताकि वो ट्रैक कर सके एंड कॉन्स्टेंटली टच में रहे विद इंडियन सेटेलाइट्स, पर्टिकुलरली लो अर्थ ऑर्बिट्स के अंदर जहाँ पर लिमिटेड कवरेज होता है अर्थ का. ये एक सेट ऑफ सेटेलाइट्स है जो कि ट्रैक करेगा, सेंड करेगा इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अदर इंडियन सेटेलाइट्स. जो IDRSS सेटेलाइट्स हैं 2000 kg क्लास की, उसे लॉन्च किया जाएगा GSLV लॉन्चर से टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स अराउंड 36,000 किलोमीटर अवे. जो सेटेलाइट होगी GEO के अंदर वो कवर करेगी अ थर्ड ऑफ द अर्थ बिलो एंड 3 ऑफ देम कैन प्रोवाइड टोटल कवरेज. कमिंग ईयर्स में ये वाइटल है, इम्पॉर्टेंट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिनका रोड मैप जो होगा वो LEO एमिशंस के साथ
डॉटेड रहेगा एज अ स्पेस डॉकिंग स्पेस स्टेशन एज वेल एज डिस्टेंट एक्सपेडिशंस टू मून मार्स एंड वीनस एंड ये मॉनिटरिंग करेगा लॉन्चेस की भी, ठीक है, यूजफुल रहेगा। जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है वो क्रू मेंबर्स होंगे गगनयान मिशन ऑफ 2022 के। नाउ वी विल रीड अबाउट आर्टेमिस मिशन। तो नासा ने अनाउंस किया है कि 11 एस्ट्रोनॉट्स फॉर द अपकमिंग स्पेस मिशन इंक्लूडिंग द आर्टेमिस मिशन। ये इंडियन अमेरिकन इसके अंदर राजा झरी इंक्लूडेड है। नासा जो है वो पहले विमेन को एंड नेक्स्ट मैन को सेंड करना चाहते हैं मून पर बाय द ईयर 2024 थ्रू आर्टेमिस ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। आर्टेमिस का फुल फॉर्म है एसेलरेशन रिकनेक्शन टर्बुलेंस इलेक्ट्रोडीनामिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन। जो मिशन है उसका नाम आर्टेमिस रखा गया था आफ्टर द ग्रीक मिथोलॉजिकल गॉडेस ऑफ द मून एंड ट्विन सिस्टर टू अपोलो, ठीक है, जिन्होंने 12 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजा था बिटवीन 1969 एंड 1972। मेन एम क्या है, ये मेज़र करना कि क्या होता है जब सन की रेडिएशन रॉकी मून को हिट करती हैं तो, और वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होती, तो एंड व्हाट हैपन देयर। मिशन क्या है आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए, नासा का जो न्यू रॉकेट है जिसे स्पेस लॉन्च प्रो सिस्टम कहा गया है वो एस्ट्रोनॉट्स को सेंड करेगा अब्रॉड द ओरियन स्पेस क्राफ्ट जो कि मिलियन माइल्स अवे है अर्थ से टू द लूनर ऑर्बिट। एक बार एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो ओरियन को डॉक कर गए एट द गेटवे जो कि स्मॉल स्पेसशिप है इन ऑर्बिट अराउंड द मून, तो एस्ट्रोनॉट्स एबल हो पाएंगे कि वो मून के आसपास रह पाएँ और काम कर पाएँ एंड फ्रॉम द स्पेसशिप्स एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो एक्सपेडिशंस ले पाएँ टू द सर्फेस ऑफ द मून। लूनर मिशंस के की फैक्ट्स देख लेते हैं। यूएस ने अपोलो 11 मिशन भेजा था, 3 क्लासेस ऑफ रोबोटिक मिशंस 1961 एंड 68 के बीच में, और 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग पहले ह्यूमन थे जो मून पर उतरे थे एज पार्ट ऑफ अपोलो 11 मिशन। जुलाई 1969 के बाद 12 और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो मून के सरफेस पे चले अंटिल 1972। 1959 में सोवियत यूनियन ने अनक्र्यू किया था लूना 1 और 2 को जो कि फर्स्ट रोवर बने थे टू विजिट द मून एंड तब से 7 नेशंस जो हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं। 1990 में यूएस ने दोबारा से लूनर एक्सप्लोरेशन रिज्यूम किया विद रोबोटिक मिशंस क्लेमेंटाइन एंड लूनर प्रोस्पेक्टर। 2009 में एक नई सीरीज चली रोबोटिक लूनर मिशंस की एंड लॉन्च किया गया लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर दैट इज LRO एंड लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सेटेलाइट्स दैट इज LCROSS। 2011 में नासा ने शुरू किया आर्टेमिस दैट इज एसेलरेशन रिकनेक्शन टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ द मून्स इंटरैक्शन विद द सन मिशन यूजिंग अ पेयर ऑफ रीपर्पोज्ड स्पेस क्राफ्ट एंड 2012 में ग्रेल स्पेस क्राफ्ट दैट इज ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी स्पेस क्राफ्ट जिन्होंने स्टडी किया मून की ग्रेविटी को। यूएस के अलावा जो यूरोपियन स्टेट एजेंसी हैं जापान चाइना इंडिया वो भी मिशन सेंड कर रहे हैं टू एक्सप्लोर द चाइना टू सॉरी टू एक्सप्लोर द मून। चाइना ने 2 रोवर्स जो हैं वो सरफेस पे लैंड किए जिसमें से जो फर्स्ट एवर लैंडिंग है मून्स के फार साइड पे वो 2019 में हुई। इसरो ने रिसेंटली अनाउंस किया इंडिया का 3rd लूनर मिशन चंद्रयान 3 जिसके अंदर अगेन एक लैंडर होगा और एक रोवर होगा। नाउ वी विल रीड अबाउट GSAT-30। तो पहला मिशन GSAT-30 का इसरो का 2020 में लॉन्च हो गया है एंड ये स्पेस पोर्ट फ्रेंच गुआनिया से हुआ। जो लॉन्च वहीकल था वो था एरियने 5 VA-251। GSAT-30 जो है वो इसरो का अर्लियर इनसेट GSAT सेटेलाइट सीरीज में से है एंड इसने रिप्लेस किया इनसेट 4A को ऑर्बिट में। GSAT-30 कॉन्फिगर्ड है ऑन इसरोज इनहेंस्ड 1-3K बस स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विसेज फ्रॉम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं 1 मिलीमीटर, तो आप देखेंगे अगर ध्यान से तो इसको आप ज़रा स्क्रीनशॉट लेके या देख लीजिए कि किस तरीके से जो सेटेलाइट है वो जा रही है एंड कैसे काम होता है।
ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। तो जी सेट 30 में टू सेटेलाइट फ्रिक्वेंसीज का यूज़ होता है। ये इंडियन मेनलैंड एंड आइलैंड्स को कवर करेगा इन कू बोंड, एंड जो एक्सटेंड कवरेज होगी वाइडर एरिया में ऑस्ट्रेलिया से यूरोप तक, वो होगी लोअर फ्रिक्वेंसी सी बैंड के अंदर। जो KU एंड C है वो स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रिक्वेंसीज का पार्ट है, 1 to 40 GHz, जो कि यूज़ होती है सेटेलाइट कम्युनिकेशंस के अंदर। इसकी जो मिशन लाइफ है 30 ईयर्स की, जो जी सेट 30 है वो टेलीविजन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है वी सेट्स को, दैट इज़ वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स को, फॉर ATM, स्टॉक एक्सचेंज, टेलीविजन अपलिंकिंग एंड टेलीपोर्ट सर्विसेज, डिजिटल सेटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग एंड ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस ऑल्सो। एरियने स्पेस क्या है, ये वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर है, एंड जब से इंडिया का एप्पल एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट लॉन्च हुआ है ऑन एरियने फ्लाइट L03 इन 1981, तो एरियने स्पेस ने भी ऑर्बिट किए 24 सेटेलाइट्स इंक्लूडिंग जी सेट 30 फॉर द इंडियन स्पेस एजेंसी। नाउ वी विल रीड अबाउट 30 मीटर टेलीस्कोप। तो इंडिया जो है वो पार्टनरशिप करने जा रही है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड, दैट इज़ TMT, एंड कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये वन ऑफ द प्रपोज साइट है एट मोना किया, जो कि एक डोरमेंट वैल्केनो है हवाई के अंदर। TMT 30 मीटर टेलीस्कोप एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है विद एन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप ELT। ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसे फंड कर रहे हैं साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कैनेडा, चाइना, इंडिया, जापान एंड USA। मोना किया जो आइलैंड है हवाई के ऊपर इन द US स्टेट ऑफ हवाई, TMT को डिज़ाइन किया गया फॉर नियर अल्ट्रा वायलेट एंड मिड इंफ्रा टू मिन इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस फीचरिंग अडेप्टिव ऑप्टिक्स टू असिस्ट इन करेक्टिंग इमेज ब्लर। जो TMT है वो इनेबल करता है साइंटिस्ट को टू स्टडी फेंटर ऑब्जेक्ट्स फार अवे फ्रॉम अस इन द यूनिवर्स, विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, एंड ये फाइनर डिटेल्स प्रोवाइड करता है नॉट सो फार अवे ऑब्जेक्ट्स की, लाइक अनडिस्कवर्ड प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स अराउंड अदर स्टार्स। नाउ वी विल रीड अबाउट EAO, दैट इज़ ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी। तो इंडिया जो है वो डिस्कशन कर रहा है ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी कॉन्जोर्टियम का पार्ट बनने के लिए 8 कंट्रीज़ के साथ, ताकि लार्ज टेलीस्कोप्स एंड रिसोर्सेज को पूल किया जा सके। ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी जो है उसे ईस्ट एशियन कोर ऑब्जर्वेटरीज एसोसिएशन ने बनाया था। इसका इंटेंशन यही था कि ऐसी फैसिलिटीज़ को बनाना है, ऑपरेट करना है, जिससे कि रीजनल फैसिलिटीज़ अच्छी हों, फंडिंग को बढ़ाना है, ऑब्जर्वेटरी स्टाफ बिल्ड करना है। ये एक नॉन प्रॉफिट हवाई कॉरपोरेशन है। पहला टास्क यही है, अज्यूम करना है ऑपरेशन ऑफ जेम्स क्लर्क मैक्सवेल सब मिलीमीटर टेलीस्कोप ऑन द समिट ऑफ मोनाकिया हवाई। इसके अंदर चाइना, जापान, ताइवान, कोरियान जो होंगे वो फुल मेंबर्स होंगे, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया ऑब्जर्वर्स होंगे। इंडिया जो है वो ग्रुप को ज्वाइन करेगा, तो न्यू काइंड्स के टेलीस्कोप्स बनेंगे एंड एक टिबेट में के अंदर भी हो सकता है, जो कि हेल्प करे न्यू ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करने में एंड टू थ्रो अ लाइट ऑन कॉस्मिक फिनोमिना। नाउ वी विल रीड अबाउट एक्रेशन बर्स्ट इवेंट। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली फाउंड किया है फनलिंग ऑफ मैटर इनटू अ फॉर्मिंग स्टार, जो कि हैपन हुआ एट डिफरेंट रेट्स ओवर द टाइम एज पर द रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट थ्योरी। समटाइम्स जब स्टार फॉर्म हो रहा होता है, इट स्वेलोज अप लार्ज अमाउंट ऑफ मैटर, जिसकी वजह से बर्स्ट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। इसे एन एक्रेशन बर्स्ट इवेंट भी कहा जाता है, एंड अभी तक ऐसे 3 ही इवेंट्स हुए हैं बिलियन ऑफ मैसिव स्टार्स के अंदर से इन द मिल्की वे। एस्ट्रोनॉमर्स ने फुल्ली अभी नहीं समझा है कि किस तरीके से स्टार्स बनते हैं गैलेक्सी में। ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कुछ ही पीसेज ऑफ पजल को सॉल्व कर पाए हैं। तो हमारी गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, ये तो हमें पता ही है, मैसिव स्टार्स हैं, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी द एनवायरनमेंट वेयर दे शेप। तो रोटेटिंग जो डिस्क थ्योरी है वो हेल्प करती है समझने में। एस्ट्रोनॉमर्स डेवलप करते हैं थ्योरीज को, टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से
जो हाई मास स्टार्स हैं वो अपना मास गेन करते हैं, तो इसके लिए एक मैसर मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है। जब फर्स्ट टाइम डिटेक्शन हुआ एक्रेशन बर्स्ट का इन 2016, तो एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वो 2017 में एग्री हुए कि वो एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करेंगे टू ऑब्जर्व मोर, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ मैसर मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन का। एंड मेन गोल यही था कि एस्ट्रोनॉमिक कम्युनिटी को अवेयर करना है ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैसर मॉनिटरिंग, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सोर्सेज मॉनिटर्ड बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस बढ़ेंगे एंड ऑब्जर्वेशन भी। मैसर क्या है? मैसर एक माइक्रोवेव है, दैट इज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी इक्विवेलेंट ऑफ लेज़र। ये जो वर्ड है ये स्टैंड करता है फॉर माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। जो मेसर्स हैं उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है यूजिंग रेडियो टेलीस्कोप्स, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑब्जर्व एट सेंटीमीटर वेवलेंथ। दे आर वेरी कॉम्पैक्ट। जो मेसर फ्लेयर है इट कैन बी अ साइन ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट सच एज द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पिट्जर टेलीस्कोप। तो स्पिट्जर टेलीस्कोप नासा जो है वो रिटायर होने जा रहा है January 30, 2020 को, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, आई रिक्वेस्ट यू। एंड ये वो टाइम है जहाँ पर आप थोड़ा या तो दूसरों से आगे निकल जाएंगे या फिर अगर थोड़ा सा भी थक गए तो पीछे रह जाएंगे। तो अब रुकना नहीं है, अब तो सिर्फ प्री एंड मेंस को क्लियर करना है। ये बात आप अपने मन में हमेशा रखें। थैंक यू सो मच।